बुमराकोसा शहर में पानी की समस्याओं को लेकर विपक्ष नेता शानू उर्फ अशरफ पठान ने थाने मनपा आयुक्त बिपिन शर्मा के कैबिन के बाहर किया धरना आंदोलन, मचाया खूब बवाल, मनाना पड़ा अधिकारियों को। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। सोमवार 18 अक्टूबर के रोज थाने महानगर पालिका में विपक्ष नेता तथा मुमरा प्रभाग 32 के नगर सेवक शानू उर्फ अशरफ पठान ने कौसा में कई इलाकों का दौरा किया। ये दौरा इसलिए किया गया था क्योंकि कौसा स्थित कई इलाकों से विपक्ष नेता को काफी शिकायतें आ रही थी पानी की समस्याओं को लेकर, पानी की दिक्कतों और पानी की किल्लतों को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके कारण उन्होंने सोमवार के रोज घास परिसर का दौरा किया जहां पर कई दिनों से लोग पानी की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यहां पर पानी कई दिनों से गंदा आ रहा है और उसी पानी को बोतल में भरकर विपक्ष नेता शानू उर्फ अशरफ पठान ने थाने महानगर पालिका आयुक्तालय में थाने महानगर पालिका के आयुक्त बिपिन शर्मा के कैबिन के बाहर धरना आंदोलन किया और उन्हें पहले ही से शामीन है, अलमास कॉलोनी है, सैनिक नगर और आसपास के कई इलाकों से शिकायतें पहले से उन्हें मिल रही थी। जब घासवाला परिसर में गंदे पानी की किल्लत रहवासी झेल रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने अपना धरना आंदोलन किया। उन्होंने गंदा पानी बोतल में भरकर आयुक्त के कार्यालय के बाहर अपना धरना आंदोलन किया, हंगामा किया, बवाल मचाया और वहीं जमीन पर बैठ गए। बाद में कुछ समय बाद थाने महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त एक संदीप मालवी वहां उपस्थित हुए। उनके साथ पानी आपूर्ति विभाग के कुछ कार्यकारी अभियंताओं ने भी इनके साथ शिरकत की। सभी ने मिलकर उन्हें मनाया और अतिरिक्त आयुक्त के कैबिन में ले गए जहां पर चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं के माध्यम से आने वाले 8 दिनों के अंदर कौसा के कई परिसरों में पानी की समस्या का समाधान करने का लिखित में अधिकारियों ने आश्वासन दिया। उस समय धरना आंदोलन पर जब वो बैठे थे, मीडिया के सवालों पर क्या जानकारी दी और कैसा रहा वहां का दृश्य देखिए। इनका जीना हराम कर दिए, कोई दौरा नहीं लेते मुमरा कोसा के अंदर। तीन बार शिकायत किया लिखा था, जब अधिकारी बोलेंगे कि हमारी कॉन्ट्रेक्टर सुन रहा नहीं है तो आप लोग किसके पास जाने का है? अरे ये क्या कारोबार चल रहा है महापालिका का? जब अधिकारी ये जवाब देंगे कॉन्ट्रेक्टर हमारी सुन रहा नहीं है तो हम किसके पास जाने का? सीएम के पास? सीएम के पास जाने का सर? कॉन्ट्रेक्टर सुन रहा नहीं, अधिकारी का जवाब है, हम लोग किसके पास जाने का? सीएम को बोलने का? थाने पर पूरे नागरिक परेशान है पानी को लेकर। तीन बार लिखित में शिकायत, पानी का प्रेशर कम होता है तो फिर पानी नहीं आता तो आता तो गंदा आता है और फिर उसके बाद हमारे अधिकारी हमको ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्टर हमारी सुन रहा नहीं है, तो फिर ये करोड़ों रुपए की योजना क्यों है भाई? जब थाने के नागरिक परेशान है तो पानी के लिए स्मार्ट सिटी हम लोग भी आठ बार स्मार्ट सिटी ये है स्मार्ट सिटी? लोगों को रिएक्शन हो रहा है, 7 बच्चे एडमिट है, ये है स्मार्ट सिटी? तीन बार एडिशनल कमिश्नर ने बोले दौरा लगाता हूं। मेरे कमिश्नर को मांगे मुझे जेल भेजे, या तो महापालिका का कारोबार नहीं समझ रहा तो पूरा बंद कर दिया जाए। जब अधिकारी के कॉन्ट्रेक्टर कब्जे में नहीं है, दोनों आपस में साठ गांठ दिए, तो महापालिका बंद कर दो। मूल सुविधाएं पानी और कचरा सफाई, इन भागों पे हमने का ध्यान नहीं है। फिर बोलेंगे तो अधिक शानू बोले आंदोलन करता है, शानू वे करता है। अरे आपसे 4 मीटिंग कर चुका हूं,
चार मीटिंग चार पदा आपने उसमें क्या निर्णय लिया? संदीप मालवीय जी को दिए थे बोले राउंड मारेंगे बिहाफ में कमिश्नर सर के, एक भी बार मुमरा में राउंड मारे क्या? मुमरा कौशल लावारिस थोड़ी है, लावारिस थोड़ी है जो हम लोग उसको छोड़ देंगे मरने। और मेरा वादा है जितने भी अधिकारी है ये पानी पी के बता दे और इस पानी से नहा के बता दे। और कितनी बार शिकायत करने का, मतलब ह्यांचे अधिकारी आम्हाला बोलतात ते अधिकारी आमचे ऐकत नाही, ऐकत नाही म्हणजे तो तुम्ही सोडा ना। आम्ही बोलणार तो आम्ही दादागिरी करतो, इंक फेकतो, उग्र होतो आणि ह्यांचे अधिकारी कॉन्ट्रॅक्टर ऐकत नाही। अरे काय परिस्थिती आहे बाबा, आणि विरोधी पक्ष नेता स्वतः तुम्हाला तीन पत्र देतो, तीन मीटिंग करतो, नेक्स्ट वीकला दौरा करणार, नेक्स्ट वीकला दौरा करणार। अरे कधी आहे बाबा नेक्स्ट वीक? ते मारवाडीसाठी तर नाही ना, आज जगत कल उधार, मारवाडी बोलतात ना आज जगत कल उधार। म्हणजे काय? अरे तुम्हाला नाही जमतात ना मुंबरा कॉलवा, काळा ना आमच्या महापालिकाचं, काळा आम्हाला गरज नाही तुमची महापालिकाची। आणि कोणी अधिकार ऐकत नाही, कोणी ऐकत नाही। मी अर्जुन डायरीला बोलला, अर्जुन एरे साहेब मला बोलला ते आमचे ऐकत नाही, सालूम केला बोलला ते बोला आमचे ऐकत नाही। तो कोणाचे ऐकतात ते कॉन्ट्रॅक्टर? आमचा बाप आहे काय? आणि बापालिकाचे जवाई आहे काय? ते 100 करोडची रिमॉडेलिंग, 100 करोडची रिमॉडेलिंग। अरे चार मीटिंग घेतलं ना तुमच्या, मी जाणार नाही जयपूरने, तिथे मसला होणार नाही। अरे 7 वाजता तुम्ही उतो नागरिक बाधे घरात, 7 वाजता तुम्ही घुमतो प्रत्येक एरियामध्ये, कौसा भाग मध्ये, प्रत्येक एरियामध्ये, कौसाच्या प्रत्येक एरियामध्ये फिरतो 7 वाजता। जे बिल्डिंग मध्ये ते बोलतो प्रेशर कमी आहेत, पाणी कमी आहेत, पाणी गंध होतात, दोषी पाणी येतात। आणि महापालिका चालू करा ना, ते महासभा तुम्ही चालू करा ना। महापालिका महासभा पण सुरू करत नाही तुम्ही, ऑनलाईन करतात। अरे लोक 8 वी ते शिक्षा चालू आहेत, क्लास चालू आहे, मतलब हमारी ह्युमिनिटी, मुलगा जो है ना स्कूल के जो बच्चे उनसे कमजोर है, हमारी कम्युनिटी कमजोर नगर सेवक की। सभागृह के अंदर हम हाउस में महासभा ले नहीं सकते। अरे बंद करो। थाने महानगर पालिका के अंदर स्मार्ट सिटी के दावे महापालिका करने वाली ये दावे खोखले हैं। पूरे थाने महानगर पालिका के अंदर, पूरे थाने महानगर पालिका के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त पे पानी की समस्या है, खास तौर से कलवा मुमरा दीवा में बहुत ज्यादा समस्या है। जिसके बाद पत्र व्यवहार करके मैंने संदीप मालवीय जी के वहां 2 बार मीटिंग हुई, अर्जुन एरे सर वाटर डिपार्टमेंट के हेड के वहां मीटिंग हुई, जिनको रीमॉडलिंग का काम दिया गया उनके काम अधूरे के कारण पानी मुमरा कौसा के भाग्य में कई तौर से घास वाला, अलमास कॉलोनी, पिनकल, देव शारमेन, ये सही भागों में पानी की प्रेशर कमी, कई कई दिन पानी नहीं, MIDC की लाइन टूटी जाती है और जब पानी आ रहा है तो ये पानी है। 7 बच्चे एडमिट है जिनको पानी पीने के कारण बीमार है और इसको लोग यूज के लिए भी वापरे, जैसे बर्तन धोने में तो स्किन के लिए, उनको स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन कमिश्नर साहब की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था संदीप मालवीय जी इसको फॉलो करेंगे। संदीप मालवीय जी मुझे 3 बार दौरे का आश्वासन दिए लेकिन नहीं आए। और वाटर डिपार्टमेंट का अधिकारियों का, सालूम के साहब और ऊपर के डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका साफ कहना है कॉन्ट्रेक्टर हमारी सुनते नहीं। तो जब आपकी सुन रहे नहीं है तो मेरा ऐसा बोलना है कि फिर महापालिका को बंद कर देना चाहिए।
और हमारे पास सबसे बड़ी दुविधा ये है नगर सेवकों की कि हाउस शुरू नहीं है। महासभा ऑनलाइन होने के कारण नगर सेवक अपने प्रथम प्रश्न थानेकर की मूल सुविधा के प्रश्न शिकायत उनकी दुविधा हम नहीं बोल पा रहे। दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये लगता है एज अपोजिशन लीडर कि हम उन बच्चों से भी ज्यादा कमजोर है क्योंकि आठवीं के बच्चों की स्कूल शुरू कर दी गई है और हमारी महासभा दो वैक्सीन लेने के बावजूद कोविड सर्टिफिकेट के वैक्सीन सर्टिफिकेट के होने के बावजूद हम ऑनलाइन महासभा ले रहे। तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? आयुक्त साहब से मेरी विनती है, महापौर साहब जब इसमें पॉजिटिव है वो खुद चाहते कि हाउस के अंदर महासभा ली जाए तो आयुक्त साहब तुरंत आला अधिकारी को और महाराष्ट्र शासन से तुरंत निर्णय करके महासभा ये महासभा या अगली महासभा हाउस मिले ताकि हम लोग नागरिकों की जो समस्या है थाना की सभी समस्या पे चर्चा कर सके। तो कौन आएगा सालों के साथ अर्जुन आएगा सर बोलते आयुष्य पानी आमचे रिमॉडल ची नावर पैसे लेतात तुम्ही सर तुम्ही पण बोललात आपण मी येणार येणार तुमचा पण प्रॉब्लेम आलं सर मी काय करणार बोला ना सर 7 वाजता मी प्रत्येक पावसात माझ्या फिरत होतो 26 कोटी महापालिका का वेस्ट हुआ है मला परिस्थिती महापालिकेची परिस्थिती मालूम आहे आयुक्त परिस्थिती मला पण माहिती मी तुमच्या बरोबर आहे सर लेकिन थोडं तर ते कॉन्ट्रॅक्टर तुमचे पण सुनावते कोणालाच पाणी सर म्हणजे सर मला गरज नाही येते बसण्याची अरे सर ह्यांच्या सर दुसरे अधिकारी है ना त्यांना भेटा ना आमच्या इथे लेटर तुम्हारा कर पानी दोषी का प्रॉब्लम टाकी की समस्या प्रेशर की समस्या तुम्हें एक वीक मध्ये फोन करना एक कोटी अरे स्मार्ट सिटी तुम्ही पैसे देता ना पानी की समस्या दिया ना आम 26 कोटी तुम्ही दिलेत का ना 1 कोटी घरी ती पाणी काम करत नाही बंद करा स्मार्ट सिटी हे आहे स्मार्ट आपल्याला थाना करायला स्वच्छ पाणी देणार ना हे स्मार्ट आहे ब्रिज स्मार्ट नाही सर थाने करायला ब्रिज नको पाहिजे नाही मूल सुविधा पाहिजे सफाई आणि पाणी पाणी येत नाही ना चार नवीन घुम्मी सॉल्व करना तुमसे लैब मत दिया ये परिस्थिति
चालू भाई चार स्वागत है आपको संग भाई काय बोलना काय चर्चा झाली आज मध्ये काय आश्वासन भेटले सर आपल्याला जैसे की आशु एडिशनल कमिश्नर सर ने आयुक्त साहब के बोलने पर हमको आश्वासन दिया था ऐसा लिखित में दिया है कि जो कौसा भाग है अलमास कॉलोनी घासवाला तनवर सैनिक नगर उस पानी में जो चार्मिन दूषित पानी आ रहा है उसको तुरंत लेवल पे दो दिन के अंदर उस पानी को समस्या को दूर करते हुए नई लाइन का ऊपर टेपिंग करी जाएगी सब पे और प्रेशर की जो कमी के नहीं बाकी टकिया जो बंद है उसमें 8 दिन के अंदर निर्णय लेके वो पानी का जो प्रेशर है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि अधिकारी इस पर खास तौर से तवज्जो दिए तो मुमरा कोसा भाग के अंदर पानी की समस्या 95% कम हो जाए। अगर नहीं हुआ नहीं हुआ तो परमानेंट यहाँ बैठेंगे तो उनके एक सम्मान होती है हमें मानना पड़े। मैं आपको पत्र भी दे रहा हूँ।